हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। मतलब इस प्लांट और एनिमल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें स्टडी करना है। इसके पहले थोड़ा सा हम बैक साइड चलते हैं। तो हमने देखा द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। फोर लेसन हमने स्टडी किया, उसमें हमने डाइवर्सिटी से लेकर के क्लासिफिकेशन तक स्टडी किया। अंडरस्टैंड। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज द प्लांट, व्हाट इज द एनिमल, ये क्या कंडीशन है। अंडरस्टैंड। जिसमें पहला लेसन इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल में, फर्स्ट लेसन चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अंडरस्टैंड। इसमें दो कंडीशन आ रहा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अंडरस्टैंड। तो मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट में हम ये देखना है कि व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दैट मेंशन ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अंडरस्टैंड। कि किसी प्लांट्स का, किसी एनिमल का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में एनालिसिस करना ही हमारी क्या कहलाती है, मॉर्फोलॉजी कहलाती है। और किसके बारे में हम स्टडी करना है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की कंडीशन ये होती है कि जितने एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जबकि मैंने आपको प्लांट किंगडम में बता चुके हैं कि प्लांट किंगडम में हमने बताया किंगडम प्लांटा, किंगडम प्लांटा, जिसमें दो तरह की कंडीशन, इसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट सब किंगडम दैट इज नोन एज क्रिप्टोगेम्स एंड सेकेंड दैट इज नोन एज फेनरोगेम्स। अंडरस्टैंड। क्रिप्टोगेम्स एंड फेनरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में हमने इंक्लूड किया ओनली फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। जबकि फेनरोगेम्स में फ्लावरिंग प्लांट या बियरिंग ऑफ फ्लावर। अंडरस्टैंड। कि क्रिप्टोगेम्स में जितने भी प्लांट आएंगे ये सभी नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहलाएंगे। जैसे हमने बताया कि क्रिप्टोगेम्स को डिवाइड किया गया कुछ मैनी सब क्लासों में, और वो क्लास थे आपके क्या थे कि इस क्रिप्टो गेम्स में आपका थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अंडरस्टैंड। जबकि फेनरो गेम्स में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इसकी बात मैं कर चुका हूँ पिछले लेसन। अंडरस्टैंड। कि थैलोफाइट्स का मतलब कि जिसमें केवल उसकी प्लांट बॉडी एक थैलस के रूप में प्रेजेंट हो। अंडरस्टैंड। प्लांट बॉडी विल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ, वनली सपोर्ट ऑफ एंड थैलस। किसी थैलस के रूप में, किसी सबस्टेटम के रूप में जो है वो बॉडी क्या है, प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड। प्लांट बॉडी विल नॉट डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अंडरस्टैंड। जबकि ब्रायोफाइट में प्लांट आल्सो डिफ्रेंशिएटेड इंटू रूट, स्टेम एंड लीफ, बट नॉट ट्रू। वाई? बिकॉज ऑप्शंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोयम, नॉट बैस्टर बंडल। कोई बैस्टर बंडल इसमें प्रेजेंट नहीं था, इसलिए
प्लांट बॉडी तो रूट स्टेम में लीफ में डिफ्रेंशिएट थी, लेकिन इनमें ट्रू रूट नॉट ट्रू स्टेम नॉट ट्रू लीफ, इसमें कोई न ट्रू लीफ है न ट्रू रूट है न ट्रू स्टेम है, क्योंकि इसमें ऑब्सेंस ऑफ वैस्कुलर बंडल, जिसमें कि वैस्कुलर बंडल क्या है ऑब्सेंट है। जबकि टेरिडोफाइट्स उसके बाद ऐसे ही फ्लावरिंग प्लांट में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो टुडे आई एक्सप्लेन अबाउट दिस फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट इज द बियर और अकॉर्डिंग टू फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स, फेनेरोगैम्स मेट बियरिंग ऑफ फ्लावर। ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट आर फेनेरोगैम्स प्लांट। अंडरस्टैंड, एंजियोस्पर्मिक शो सच लार्ज डाइवर्सिटी। जितने आप प्लांट आपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये सब जो है क्या कंडीशन है, ये डाइवर्सिटी जिसकी सबसे बड़ी डाइवर्सिटी है, ये सभी जो है फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जिनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। इसीलिए शो लार्ज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन। अंडरस्टैंड, इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यदि हम इस एंजियोस्पर्म में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की एनालिसिस करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी कहते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। लेकिन केवल मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड, नॉट इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी इसके सेकेंड लेसन में हम स्टडी करेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसमें भी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। अंडरस्टैंड, इसमें केवल एक्सटर्नल एनालिसिस की बात हम करने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, जिसमें कि किसी भी रूट्स को, किसी भी प्लांट्स को, अंडरस्टैंड, किसी भी विड्स को यदि हम पुल करते हैं आउटसाइड, अंडरस्टैंड, जैसे ये कोई प्लांट है, ये आपका जो है सॉइल सरफेस है, और ये जो है क्या है, ये रूट है। अंडरस्टैंड, उसके बाद ये क्या कंडीशन है, स्टेम की कंडीशन है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये भाई क्या है, शूट है, और ये कंडीशन क्या है, रूट है। अंडरस्टैंड, इसके मतलब एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द सॉइल, अपर पार्ट ऑफ द सॉइल दैट इज नोन एज शूट, एंड इनर पार्ट ऑफ द सॉइल दैट इज नोन एज रूट। अंडरस्टैंड, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम एंड लीफ फ्लावर एंड फ्रूट, कि किसी भी प्लांट को यदि हम एनालाइज करें एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो जो ग्राउंड्स के अंडर, अंडरग्राउंड्स जो होता है उसको हम रूट बोलते हैं, और जो ग्राउंड्स के अपर पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, एरियल पार्ट में जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शूट का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड, तो प्लांट के दो मेन पार्ट होते हैं। अंडरस्टैंड, अब ये कोई पूछे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज टू पार्ट्स। अंडरस्टैंड, फर्स्ट दैट इज नोन एज रूट, रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड व्हाट इज द शूट, शूट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द ग्राउंड दैट इज नोन एज शूट। अंडरस्टैंड, शूट बियर ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट। अब ये शूट क्या करेगा, ये बियर करेगा क्या क्या, लीफ को बियर करेगा, उसके बाद फ्लावर को बियर करेगा, और फ्लावर से क्या बनेंगे, फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और फ्रूट से सीड्स का फॉर्मेशन होगा। अंडरस्टैंड, तो ये कंडीशन रही आपका प्रेजेंस ऑफ रूट, मतलब किसी भी प्लांट को यदि हम पुल आउट करते हैं, सॉइल से पुल आउट करेंगे, तो उसमें क्या क्या कंडीशन मिलेगी, उसके रूट मिलेंगे, उसके बाद स्टेम की कंडीशन होगी, उसके बाद लीफ फ्लावर एंड फ्रूट बनेगा। अंडरस्टैंड, तो अबाउट पॉसिबल वेरिएशन, जबकि हर एक प्लांट में देखते हैं, प्लांट की बात मत करिए, एनिमल की भी बात करिए, कि जितने भी एनिमल्स हैं इसमें क्या है, वेरिएशन है, और वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कि जिसमें टू डिफरेंट बॉडी या टू डिफरेंट गेमेट्स ये आपस में फ्यूज करते हैं, तो उनसे जो जायगोट बनता है, जो प्रोजनी का फॉर्मेशन होगा, वो कैसा होगा, वो आपका जो है वेरिएशन देगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से उसके जीन आ रहे हैं। अंडरस्टैंड, तो इस तरह की कंडीशन जो होती है वेरिएशन की आती है, कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी है, बाय डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और उस डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, और प्लांट के कंडीशन में उसके डिफरेंट क्राइटेरिया है, मतलब डिफरेंट हैबिट, डिफरेंट रिप्रोडक्शन,
डिफरेंट उसका एडॉप्टेशन, अंडरस्टैंड, क्योंकि एक्सटर्नल, क्योंकि वेरिएशन जब होगा, जिस प्लांट्स के अंदर वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन के थ्रू जो होता है, जो प्लांट या प्रोजेनी का फॉर्मेशन होगा वो ऑलरेडी कैसी होगी, वो जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने की टेंडेंसी उसके पास होगी, अंडरस्टैंड, क्योंकि टेंडेंसी का रीजन, जबकि वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि सेम इंडिविजुअल से जो प्लांट या एनिमल प्रोजनी प्रोड्यूस होती है उसमें एडाप्टेशन करने की कोई टेंडेंसी नहीं होती है और ना ही उसमें कोई वेरिएशन होता है, उसमें केवल स्पीसीज का क्या होगा, ग्रो होगा, ठीक है, स्पीसीज जो है क्या करेगी, ग्रो करेगी, उसका जो है लार्ज अमाउंट बनेगा, अंडरस्टैंड। जैसे एडाप्टेशन जो वेरिएशन, ये आपके जो है एडाप्टेशन की कंडीशन, जैसे वेरिएशन या वेरियस हैबिटेट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैबिटेट है, सम प्लांट आर एडाप्ट टू एक्वेटिक, सम प्लांट आर एडाप्ट टू टेरेस्ट्रियल, अंडरस्टैंड, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक की कंडीशन ये होती है कि उस एक्वेटिक में कुछ प्लांट ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मैरिन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्लांट जो है मर्सी एरिया में पाए जाते हैं, मतलब दलदली भूमि पे पाए जाते हैं, अब कुछ प्लांट जो होते हैं ऐसे प्लेन एरिया पे पाए जाते हैं, कुछ ही एरिया में पाए जाते हैं, अंडरस्टैंड। इसीलिए यहाँ पर हमने एक टर्मिनोलॉजी दिया वेरियस हैबिटेट, जिसमें कि उसकी हैबिट क्या हो, डिफरेंट टाइप्स की हो, जैसे फॉर प्रोटेक्शन, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद क्लाइंबिंग, स्टोरेज, अंडरस्टैंड। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं क्या करते हैं, किसी जो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ठीक है, इसके थ्रू जो होते हैं मॉडिफाइड होकर के क्या करते हैं, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर बना, जैसे कुकरबिट प्लांट में देखते होंगे आप, कुकरबिट प्लांट में जो होता है वह एक मॉडिफिकेशन जो स्टेम का होता है, जो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन करके क्या करता है, उस सबस्टेटम को अटैच करके ये बहुत हाइट तक पहुंच जाता है, अंडरस्टैंड, जबकि उसका स्टेम जो है कैसा है, लूज है, लॉन्ग है, अंडरस्टैंड। तो जब तक वो क्लाइंबिंग नहीं करेगा तब तक अपनी बॉडी को अडाप्ट वो नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं, इसे रूट है, स्टोरेज का काम किया, स्टेम है, स्टोरेज का काम, इसे गिंगल है, अंडरस्टैंड। तो गिंगल क्या है, मॉडिफाइड ऑफ स्टेम है, अंडरस्टैंड, वो फूड मटेरियल सॉयल से क्या करती है, एब्जॉर्ब करके क्या करती है, स्वेल कर जाती है, अंडरस्टैंड। उसके बाद पोटैटो है, उसके बाद जो है आपका ओनियन, गार्लिक, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ये प्लांट के वेरियस पार्ट्स है जिसके द्वारा वो फूड को स्टोरेज करके स्वेल कर जाते हैं, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कंडीशन आती है एनी बिट्स यू पुल आउट सी द, क्या क्या हम देखते हैं, रूट के बारे में देखते हैं, स्टेम के, लीफ एंड फ्लावर की बात करते हैं, फ्रूट की बात करते हैं, ठीक है। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट, अभी कहा जाए कि रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, कि रूट जो है अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। शूट इज द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द प्लांट, कि प्लांट का एक्सटर्नल पार्ट जो होता है क्या कहलाता है, शूट कहलाता है, जो सॉइल के एक्सटर्नल पार्ट में होता है, अंडरस्टैंड, उसको क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है पूरे आपके जो है प्लांट किंगडम में होती है, अंडरस्टैंड। अब ये शूट के बेस पर, ये रूट के बेस पर, अब इस प्लांट को कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है, अंडरस्टैंड, ये कितने पार्टों में डिवाइड किया जाता है, तो इसको हम बात कर रहे हैं आपकी, अंडरस्टैंड। मॉर्फोलॉजी, ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, अंडरस्टैंड, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं हम, ये आपका जो है स्टेम, ये आपका जो है क्या है, ये आपका सॉइल पार्ट है, सॉइल पार्ट,
और इसमें जो है ये आपकी प्राइमरी रूट, उसके बाद ये जो है सेकेंडरी रूट, ये सेकेंडरी रूट, और इससे जो है निकलती है आपकी टर्शियरी रूट, इसका नाम देंगे हम प्राइमरी रूट, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है इसका, इसका नाम देंगे हम सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। तो इस जो है अरेंजमेंट के बेस पर रूट की जो कंडीशन होती है, अंडरस्टैंड, वो तो है टू टाइप्स की होती है। एक आपका फर्स्ट टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, और नेक्स्ट है सेकेंड फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम। अंडरस्टैंड, दो तरह की कंडीशन, टैप रूट सिस्टम एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, अंडरस्टैंड। अब इस टैप रूट सिस्टम की कंडीशन जो होती है और फाइब्रस रूट सिस्टम, ये दो तरह के रूट सिस्टम पाए जाते हैं, अंडरस्टैंड। टैप रूट सिस्टम की ओरिजिन, इसके बारे में बात मैं बाद में करता हूँ, सबसे पहले स्टडी हम करेंगे इसके पूरे मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की। तो ये कंडीशन होती है, ये बेनुल्स निकलते हैं, अंडरस्टैंड, जिसका नाम देते हैं पेटियोल, और यहां से जो होती है ये लीफ की कंडीशन होती है, ये लीफ की कंडीशन है, अंडरस्टैंड, ये लीफ है। तो ये पूरा पार्ट जो है किसका हो गया, शूट का हो गया, और ये पूरा पार्ट कैसा हो गया, ये आपके रूट का हो गया, ये रूट का पार्ट हुआ, और ये क्या कंडीशन हुई, शूट का पार्ट हुआ। शूट में क्या क्या है, लीफ है, और लीफ से ही ओरिजिनेट होती है ये आपका फ्लावर, अंडरस्टैंड, ये आपका जो है फ्लावर, और ये कंडीशन होती है फ्लावर की, अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो है क्या है, फ्लावर, और उसके बाद ये आपका क्या है, मेरिस्टमेटिक जोन है, मेरिस्टमेटिक जोन, अंडरस्टैंड। और इस मेरिस्टमेटिक जोन के थ्रू जो होता है ये ऑलरेडी डिवीजन करके ये ग्रोथ होता है। मेरिस्टमेटिक में आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, टैप रूट सिस्टम, अरे क्या होता है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू में आपका जो है एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम इज ओनली प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ रूट एंड शूट, शूट और रूट के केवल टिप पॉइंट पे प्रेजेंट होता है कौन, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, या मेरिस्टमेटिक टिश्यू में कौन सा टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, इसके नाम से पता चल रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है एपिकल मेरिस्टेम की होती है। तो पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, रूट एंड शूट, अंडरस्टैंड, शूट बियर लीफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, अंडरस्टैंड। रूट बियर दैट इज नोन एज इफ यू हैव टैप रूट सिस्टम एंड बियर ऑफ द प्राइमरी रूट सिस्टम एंड ओरिजिनेटेड ऑफ द लेटरल साइड, दिस रूट दैट इज नोन एज सेकेंडरी रूट सिस्टम एंड लेटरल साइड ऑफ द सेकेंडरी रूट सिस्टम, दिस रूट दैट इज नोन एज